चंपा संभल की चंदौसी में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने जीएसटी से संबंधित समस्याओं को लेकर पीएम, वित्त मंत्री एवं अध्यक्ष जीएसटी काउंसिलिंग ऑफ भारत सरकार के नाम डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग को सौंपा। चंपा संभल की चंदौसी में आज अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष प्रेम ग्रोवर व प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी के नेतृत्व में स्टेशन पर स्थित वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में पहुंचकर वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें जीएसटी से संबंधित समस्याओं को लेकर देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और अध्यक्ष जीएसटी काउंसिलिंग भारत सरकार को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर उन पर पुनः विचार करने की अपील की गई। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने ये मांग की है भारत सरकार और इस काउंसिल से, जीएसटी काउंसिल से, कि जो निर्णय हमारे हैं उसको जो है किया जाए कि भाई जो पीठ है उसका पीठ निर्धारण की जाए और हाई कोर्ट द्वारा ये निर्णय उम्मीद है कि शीघ्र ही किया जाएगा। इसके अलावा जो लेट फीस है उसको जो है 50 रुपये से है और उसको 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये तक हो जाती है, उसको 1,000 रुपये तक मिनिमम किया जाए। इसके अलावा हम ये मांग करते हैं कि किसी तरह का जुर्माना व्यापारियों पर नहीं लगाया जाए, क्योंकि यदि व्यापारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा तो उसका उत्पीड़न होता है। तो अतः हम उम्मीद है कि हमारी ये मांगे भारत सरकार मानेगी और इसको एडिशनल द्वारा केंद्र सरकार को और जीएसटी काउंसिल को भेजा जाएगा। व्यापार उद्योग मंडल ने आपको आज ज्ञापन दिया है 10 सूत्री मांगों को, उसमें क्या कहेंगे आप? मंडल ने जो ज्ञापन दिया है उसमें जैसे एक बिंदु उन्होंने उठाया है कि धारा 190 के अंतर्गत जो है भारतीय मान्य अस्पताल का गठन किया गया है। इस समय में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी निर्णय आया है जिसमें अप्रैल तक गठन की उन्होंने बात कही है। ये बात हमको लगता है कि निकट भविष्य में इनकी जल्दी पूरी हो जाएगी। और जो इन्होंने बातें कही हैं वो चीज़ें जो है जीएसटी काउंसिल को निर्णय लेना है कि जीएसटीआर की कितनी तक कब दिया जाए या लेट फीस के बारे में, तो ये हम उचित माध्यम से इसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो वहाँ बात जो है कमिश्नर साहब के पास ही पहुँच जाएगी।